आप नए हैं तो सब्सक्राइब पर देखिए, यहाँ पे लाल बटन बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल जाया करे। रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास के बारे में बताने से पहले मैं उसकी एक वेबसाइट पे सारांश में दो लाइन में आपको बता दूँ कंपनी क्या करती है। हालांकि कई वीडियोस पहले बना चुका हूँ लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी हमसे जुड़ते हैं तो उनको भी मालूम पड़ जाए। 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इस कंपनी की नींव रखी गई। और ये करती क्या है, रेल मंत्रालय रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की है और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे के जितने ब्रिजेज हैं उनका निर्माण और रेल के जितने भी संबंधित काम हैं ये देखती है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आइए अब हम इसके कुछ प्राइस और रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए, रेल विकास ने RBNL मिसलेनियस एंड जुलाई 2019 चार बज चुके हैं। BSE पे इसका भाव जो चल क्लोज हुआ है लास्ट 24.05 रुपये पे, लो बनाया था 18.65 रुपये, हाई था 29.90 रुपये, यानी 30 रुपये के आसपास हाई बनाया था। और 11 अप्रैल को लिस्टेड कंपनी अभी 2 महीने पहले, और लगातार फिर लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया होगा, फिर नीचे गया, फिर हाई बनाया, फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के बाद हाई बनाने के बाद फिर लगातार अब जाके, जबकि पूरे बाज़ार में ही गिरावट है लगातार, इस वजह से इस पर बहुत दबाव पड़ा और ये भी काफ़ी नीचे के लेवल पे है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके रिजल्ट्स तो ये जो अवेलेबल हैं मार्च 2018 से मार्च 2019 के, नेट सेल्स थी जहाँ 2650 करोड़ की मार्च 2018 में, और मार्च 2019 में हो गए 3418 की। और नेट प्रॉफिट में अगर हम सीधे आते हैं तो मार्च 2018 में जो 163 करोड़ की थी वहीं हो गई मार्च 2019 में 185 करोड़ की, एक शानदार। और यदि हम प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट के पास है 87.84%, और म्यूचुअल फंड्स की 3 स्कीम्स में आ चुकी हैं 2.39% के, FIIs भी हैं इसमें 3, और LIC भी है 1.94% की, ये तो ज़बरदस्त है, और 5.29% हम जैसे खुदरा ग्राहक हैं। तो ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, अगर ये आप देखें बजट जो पेश हुआ था उसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनियों के उनके पास अब 65% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकते। तो अगर ऐसा होता है, अप्लाई होता है, तो चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, उनको 65% ही यहाँ मैक्सिमम रख सकते हैं, जो अभी तक 75% का प्रावधान था, और 35% उनको पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक गवर्नमेंट की कंपनी इंजीनियरिंग की और 14 जनवरी 2003 से काम कर रही है, मिड कैप कंपनी है, अपनी इंडस्ट्री में 4th नंबर पे है। तो ये रही एक शानदार कंपनी। जो लोग इसमें चूक गए हों और उस समय ना ले पाए हों, तो जो लोग इसमें ले भी चुके हैं ऑलरेडी ऊपर के भाव पे भी, वो भी होल्ड बनाए रखें, क्योंकि जब भी मार्केट में थोड़ा अच्छा समय आएगा तो ये कंपनी भागती है तेज़ी से, क्योंकि अभी एक जिस प्रकार से ये कंपनी है रेल मंत्रालय की, उस हिसाब से प्राइस अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, अंडर वैल्यू है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन अगर नीचे और ज़्यादा जाता है तो आप ज़रूर इसमें ख़रीदारी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा लमसम पैसा पूरा कभी मत डालिएगा, SIP कर भी सकते हैं। तो रेल विकास निगम RBNL की एक ज़बरदस्त कंपनी है और इस पर मैंने हमेशा नज़र बनाए रखी है। तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स ने पूछा भी था, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं और नीचे के लेवल पर देखिए मंडे की स्थिति क्या होती है, वो देखना पड़ेगा। जिस हिसाब से आज भारी गिरावट हुई है मार्केट में, तो आज मैं वीडियो यहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।